जम्मू कश्मीर का मामला हो या फिर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का मामला, इन मामलों में भारत ने जैसे ही कुछ कदम उठाए पाकिस्तान का डर सामने आने लगा। पाकिस्तान का ये डर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर लगातार ट्वीट आने लगे हैं। डर यहीं तक नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी इस मामले में कूद पड़े। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे हैं, अगर अमेरिका दिल्ली पर दबाव डाले तो कश्मीर विवाद सुलझ सकता है। कई ट्वीट ऐसे भी थे जिनमें कांग्रेस पार्टी की आड़ लेकर भी कहा गया कि भारत सरकार अनुच्छेद 35A और धारा 370 को खत्म करना चाहती है। समय के साथ इस मामले में सेना के कई पूर्व अधिकारी भी कूद पड़े। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी का जो ट्वीट रेडियो पाकिस्तान ने जारी किया है, उसमें लिखा गया था, पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को कूटनीतिक, राजनीतिक और नैतिक मदद देना जारी रखेगा। इसके बाद फारूक मलिक ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना बल कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान ने अपने बुलेटिन में ये भी आरोप लगाया कि कश्मीर में भारतीय फौजों ने एक युवक को शहीद कर दिया। बता दें, कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जब कोई आतंकी या पत्थरबाज मारा जाता है तो उसे पाकिस्तान मीडिया शहीद करार देता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।